नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक सर। आज क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए मैं तीसरा पार्ट हिंदी का लेकर के आया हूं। अगर आप इतनी तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं छूटने पाएंगे। आइए क्रम से हम उन सब चीज़ों को देख लेते हैं। संस्कृत दिग्दर्शिका पार्ट से आपको जो चैप्टर पढ़ने हैं वो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। आप कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और बैठ जाइए। एक एक पॉइंट जो मैं बताता जाता हूँ उसे वैसे ही नोट करते जाइए, ध्यान से एक एक बातें लिखेंगे। कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि सर यहाँ से ऐसी समस्या आ रही है, ऐसी दिक्कत आ रही है, हम उसे यूजुअली दूर करते हैं और दूर करने का प्रयास करेंगे। तो संस्कृत दिग्दर्शिका में सबसे पहला चैप्टर जो आपको इम्पॉर्टेंट है पढ़ना है वो है भोजस्योदार्यम। भोजस्योदार्यम पहला चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो मैं आपको बताता हूँ आपके लिए ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए आपको, वो है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तीसरा, संस्कृत भाषायाः महत्वम। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहली प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर मैंने इम्पॉर्टेंट रखा है, वह है भोजस्योदार्यम। दूसरा, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तीसरा, संस्कृत भाषायाः महत्वम। चौथा, सुभाषित रत्नानि। आप ये सब नोट करते चलेंगे। चौथा था सुभाषित रत्नानि। और पांचवा और अंतिम इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पंचशील सिद्धांता। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इनको आपको पढ़ना ही चाहिए। क्योंकि मैं पिछले प्रश्न पत्र को भी देख रहा हूँ और भी चीज़ें अगर ध्यान से देखी जाए तो आपको समझ में आएगी बातें कि इसमें स्कैटरिंग मैनर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब हर चैप्टर से कुछ ना कुछ ले ले रहा है। सो इतने चैप्टर तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, सर मेरी तैयारी पहले से ही है, मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मुझे तो बस एक बार वेल रिवीजन चाहिए, तो कौन कौन से चैप्टर का कर लें? तो वो एक चैप्टर और पढ़ सकते हैं अपने आप को फुली सेफ जोन में रखने के लिए, मतलब एकदम सेफेस्ट रखने के लिए कि एग्जाम में आपका कहीं से भी एक भी क्वेश्चन या एक भी नंबर न छूटने पाए। तो वो महामना मदन मोहन मालवीय चैप्टर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनकी तैयारी नहीं है वो केवल इन्हीं पांच चैप्टर्स पर कमांड करें, निश्चित तौर पर वो सारे क्वेश्चन यहाँ से भी कर लेंगे अगर ये पांचों चैप्टर उनका तैयार है तो। तो संस्कृत में पांच महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, भोजस्योदार्यम, आत्मज्ञम, सर्वज्ञ, संस्कृत भाषाया महत्वम, सुभाषित रत्नानि, पंचशील सिद्धांता। और जो अपने आप को सेफेस्ट जोन में एकदम रखना चाहते हैं वो महामना मदन मोहन मालवीय को भी पढ़ लें। अब बात फंसती है कि संस्कृत के इतने चैप्टर इनफ हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एट लास्ट मोमेंट में संस्कृत चैप्टर को जानते हैं, समझते हैं और परखते हैं, उनके लिए तो इतना भी तैयार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जटिल हो जाता है। तो उनके लिए और कंक्लूसिव फॉर्म में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से देख लें कि जिन्होंने पूरे वर्ष बिल्कुल भी संस्कृत दिग्दर्शिका को नहीं देखा है वो अब पढ़ने जा रहे हैं, तो उनके लिए मेरी सलाह है कि वो कौन कौन से चैप्टर पढ़ें। तो वो पढ़ें आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, संस्कृत भाषायाः महत्वम, सुभाषित रत्नानि। इन तीन चैप्टर्स को पूर्णतः वो पहले तैयार कर लें, फिर अगर उनके पास समय बचता है तो महामना मदन मोहन मालवीय भी पढ़ें, अन्यथा वो केवल यही तीन चैप्टर तैयार करें। अब आपको पूरा का पूरा कंक्लूजन मैं समझा चुका, एक बार फिर से बता दूं कि पांच चैप्टर तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, भोजस्योदार्यम, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, संस्कृत भाषायाः महत्वम, सुभाषित रत्नानि, पंचशील सिद्धांता। इसके अतिरिक्त लोकोक्ति एवं मुहावरा आपको पढ़ना ही पढ़ना है, रस, छंद, अलंकार, पत्र लेखन, निबंध लेखन पढ़ना ही पढ़ना है। आपके यहाँ, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके ज़िले में जो नाटक और जो खंड काव्य चलता है उसे पढ़ना ही पढ़ना है। कहानी निश्चित तौर पर मैं सिग्निफाई करके बता सकता हूँ आपको कि कौन सी कहानी यहाँ पर पढ़नी चाहिए, तो उसमें ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर, ये तीन कहानियाँ मैंने निकाली हैं, पॉइंट आउट किया है। अगर इन तीन कहानियों को आप पढ़ लेते हैं तो कहानी क्षेत्र से बनने वाले प्रश्नों पर भी आपकी अच्छी पकड़ होगी, निश्चित तौर पर कहानी से कुछ भी नहीं छूटेगा। ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर। अब इन कहानियों में भी जो थोड़ा सा और कमी चाहते हैं कि सर इतनी भी कहानी नहीं तैयार कर सकता, तो उनके लिए पंचलाइट और बहादुर अवश्य पढ़ लें, यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। फिलहाल अगर आपके पास समय है तो ये तीन कहानियाँ जरूर पढ़ें, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर। अब बात फंसती है सर रस में कौन सा कितना तैयार किया जाए, छंद कौन से पढ़े जाएं,
पत्र लेखन कौन सा तैयार किया जाए, कैसे किया जाए, और निबंध लेखन की क्या प्रक्रिया है, क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, इस दृष्टिकोण से भी कुछ बताइए। तो इस दृष्टिकोण को मैं अवश्य क्लियर करूंगा, लेकिन उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करें, दूर दूर तक शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, बातें बताएँ। इससे दो बातें होंगी, एक तो जिन्होंने लेट लतीफ़ तैयारी शुरू की इनको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ जिन्होंने थोड़ी सी लापरवाही भी बरती है उनके लिए भी थोड़ी मदद मिलेगी ही मिलेगी। और जिन्होंने पूरी तैयारी की है वो एट द लास्ट मोमेंट रिवीजन करना चाहते हैं, उनके लिए तो निश्चित तौर पर रामबाण है। तो ध्यान रखिए, सारी चीज़ें जितनी मैंने बताई इतना तैयार करने का प्रयास करिए। जल्द ही मैं कुछ इम्पॉर्टेंट निबंध की बातें लेकर के, कुछ इम्पॉर्टेंट छंद, हाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है रस और छंद में एक बात कि बड़े बड़े एग्जाम्पल्स कैसे याद करें। करुण रस का बड़ा एग्जाम्पल किताबों में उपलब्ध है, हास्य रस का बड़ा एग्जाम्पल उपलब्ध है, बच्चों को अंतिम समय में ऐसे उदाहरण याद करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो मैं एक नया प्रयास कर रहा हूँ कि रस भी वही रहे, छंद भी वही रहे, लेकिन छंद में क्रम से पंक्तियों की संख्या कम हो जाए और छोटे छोटे उदाहरण आपके लिए उपलब्ध हो जाएं, ऐसा भी मैं प्रयास कर रहा हूं। तो देखते रहिए, लगातार जुड़े रहिए मेरे से, हमारे इस चैनल के साथ, हमारे इस वीडियोज के साथ। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।